मुझे खूब से खूब तर ढूंढना है, मगर फ्यूल भी सस्ता तर ढूंढना है। जो वादा था लाखों घरों का तुम्हारा, मुझे उनमें से एक घर ढूंढना है। तब्दीली तो नजर नहीं आ रही, आ रहे हैं वासे चौधरी। देखिए आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल है आप लोगों के? फ्रेश। अरे वाह। यस सर। रात के इस पहर आप कैसे इतने फ्रेश होते हैं? पूरी नींद लेते हैं सर, 6 घंटे। अच्छा, दैट्स व्हाई वी आर फ्रेश। देखो ना, फ्रेश मून इस तरह दे आने लग पे। लेकिन तुसी ज्यादा फ्रेश लग रहे। अच्छा जी सर, फ्रेश भी ने और जहीन भी ने। हाँ जी, एयरपोर्ट फिर रहे। मैं वास भाई किधर? कहते जहाज खराब हो गया, मैं धक्का लाना है। इन्हें तो एम्बुलेंस वाले को मार खा ली। उन्होंने कहने अपनी बत्ती दियो, मैं मोटरसाइकिल ते लानी। अच्छा, मैं एक बार पूछा, मैं क्या भैन कितने होंगे हो? कहते ने कोरोना की वजह कर्जे थले। पिस्तौल लैके तेज से दौड़ी जा रहा। मैं की होया? कहते मैं कोरोना की सारी फैमिली मुका दें। भाईजान का 3 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। अच्छा, लेने नहीं गए? क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं गए? कहते मेरे को गिनने वाला बंदा नहीं है। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमानों को, दो जुड़वा भाई जो कि कमाल म्यूजिशियंस हैं, हर इंस्ट्रूमेंट ही बजा लेते तकरीबन। आपने रिसेंटली उनको बहुत देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। आप सबकी तालियों में लियो ट्विंस हारून एंड शारून। उनका साथ देने के लिए हमारी तीसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा सवेरा सईद। शो जी, आज मैं एक शेर लाया हूं जिन जिन्होंने भी ब्लैक कोट पहने हुए। मौसीकी की दुनिया भी है अपनी आप मिसाल। मौसीकी की दुनिया भी है अपनी आप मिसाल, उसकी समझ में आती है जिसे सुनने का हो ढंग। सच पूछो तो मौसीकी के असल में सुर है सात। सच पूछो तो मौसीकी के असल में सुर है सात, लेकिन इनमें छुपा हुआ है जीवन का हर ढंग। मेरा शेर सवेरा जी ताड़ी नजर के, तेरे एक इशारे ते कोई जिंदगी वारे ते, ते दिन नू नेरा हो जावेगा जे तू वाल खलारे ते। मेरी ख्वाहिश बहुत दूर खड़ी है, जहन छोटा पर बात बड़ी है। एक बात हमें सच बताएं हारून भाई, गलती आपने की हो मार शरून भाई को पड़ी है। खैर, इस तरह के काफी वाकयात हुए हैं जिसमें से बीमार हारून था और मेडिसिन मुझे पिला दी गई, और इस तरह के नहलाया उसे था एक दफा और फिर मुझे दोबारा नहला दिया गया। तो वो इस तरह के काफी जो है ना होते रहे। अच्छा मुझे बताएं, हारून शारून आपने शो देखा हुआ है? जी जी बिल्कुल देखा हुआ है। तो आपको आइडिया है? बिल्कुल ठीक है। और आपने भी देखा? सो यू हैव एन आइडिया एज़ वेल? क्या आइडिया है? बहुत ज्यादा झुकते होते हैं यहाँ पे, मुझे पता है। ताकि नहीं रहा कि तुसी मुज़ाकरात करना है, लगता यौमे स्याह मनाना है। वैसे ये मुझे बताएं, आप तीनों जो है इस्लामाबाद से ताल्लुक है, ये तीनों क्या एक ही वहाँ का कोई कलर चल रहा है? सिंह करके आए थे ये, इधर आए हैं तो पता चला इन्होंने भी ब्लैक पहना हुआ। तो वैसे तो हमारा फेवरेट लाइक हम लोग ने जो स्टार्ट किया म्यूजिक का आगाज किया वो चर्च म्यूजिक से किया, क्योंकि चर्च में हम लोग प्ले किया करते थे। जर्नी इस तरह से हारून शुरू से तबला बजाता था, भाई बड़े भाई तबला बजाते थे, सो उन्होंने हारून को ट्रेनिंग दी थोड़ी बहुत तबले। मैं उस टाइम हारमोनियम प्ले किया करता था, लेकिन उन्होंने मुझे फॉर लाइक नो वेयर उन्होंने मुझे वायलिन गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो मुझे उस टाइम उस इंस्ट्रूमेंट का पता भी नहीं था वायलिन का। देन मैं साइकिल पे सीखने जाया करता था, एक लंबी जर्नी है। फिर हारून मुझे एक दिन बाइक पे छोड़ने आ गया एकेडमी में मेरी, उसने वहाँ पर देखे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसने कहा गिटार ना ले लें। तो हम स्टूडेंट थे तो हमने कहा पैसे तो नहीं है, तो हम नीचे मोबाइल मार्केट में गए, दोनों ने अपने फ़ोन बेचे और ऊपर आके गिटार ली। सो दिस भेज दिए। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड।
और ये नालायक बच्चे जे ना ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਗਿਟਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਯਹੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਇਰਨੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਰ ਮਗਰ ਫਿਰ ਫਰਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ ਨਾ ਆਪਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਥੇ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਜਬ ਸੇ ਆਪ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੇ ਵਾਇਲਨ ਜੋ ਪਕੜਾ ਤਾ ਵੋ 18 साल की थी और उसके एक साल बाद मैंने गिटार एक साल बाद स्टार्ट किया था और ये जो उसके बाद हमने भी देखना शुरू किया रिसेंटली के माशाल्लाह कितने इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं सो हारून ही प्लेज मोर देन 10 इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें गिटार वो खुद बता देगा मैं तो वायलिन और चेलो और हारमोनियम और कारले मेरे को बर्तन भी दूर रख दे पतीला भी उजा लेने नहीं यार आप बता हारून आप कितने इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से बजाते हैं मेरा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट तो तबला था जिससे मैंने स्टार्ट किया देन आई शिफ्टेड ऑन गिटार्स फिर क्योंकि हमने अपना स्टूडियो सेटअप भी रन कर रहे हैं ऑडियो प्रोडक्शन तो उसके लिए मुझे फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखना पड़े क्योंकि आपको पता है वरना डिफरेंट लोगों से आपको प्ले करवाने पड़ते तो मैंने कहा थोड़े बहुत खुद ही सीख ले प्रोड्यूस करने में इजी हो जाए तो इसने फिर गिटार्स की टेक्निक सारी रबाब पे मैंडोलिन पे और इस तरह से तो इसी तरह से खुद से ही सीखा लेकिन उस्ताद जी हमारे उस्ताद इदरीस अहमद खान साहब उनका नाम लेना बहुत जरूरी समझता हूँ क्योंकि जब हम लोग मोबाइल बेच के ऊपर आए वो सारा ये सिनेरियो देख रहे थे कि दो लड़के आए हैं और वो उस अकेडमी में गिटार सिखाते थे सो उन्होंने सारा सिनेरियो देखा दो लड़के आए मोबाइल बेच के ऊपर गिटार लेने आए सो उन्होंने हमें बुलाया उन्होंने कहा कि यार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पैशन ऐसा क्रेज नहीं देखा सो उन्होंने कहा मैं तुम्हें फ्री सिखाऊंगा और तुम्हारे घर आके सिखाऊंगा सो वो दिल से हमारा के हमारी प्रॉपर जो जर्नी थी सो मगर वैसे कभी सोचा था जिस लम्हे मोबाइल बेचने गए थे और उसके बाद वापस आए थे हाथ में गिटार तो आपके आ गया हुआ था लेकिन eventually after some time यही मोबाइल स्क्रीन है जिसके ऊपर आपका काम इतना हिट हो रहा होगा क्या बात ऐसा सोचा तो नहीं बिल्कुल हमें तो ये भी नहीं था आइडिया कि हम इसे प्रोफेशनली करेंगे बस एक्सीडेंटली हम म्यूजिक में आए तो एक शौक था और एक जुनून था जिसे कह सकते हैं कि जुनून की हद तक हमें था कि हमने कुछ सीखना है म्यूजिक में कुछ करना आपका जुनून आपका फोन ले गया मेरा आपने देखा हुआ है सुना हुआ है इनका काम आपने किसका काम देखा हुआ मैं अरिजीत के और जुबिन उत्याल के अरिजीत सिंह की फैन हैं आप वाह अरे वाह तो कौन सा गाना आपको अरिजीत सिंह का पसंद है वाजा मारियां बुलाया कई बार किसी ने मेरी अरिजीत भाई का गाना ये तुम्हारा गांव का अरिजीत सिंह दूसरे वाला है कौन सा गाना पसंद है हैदर जी मेरा हर पल ये सोचता ये न्यू है नहीं नहीं बहुत पुराना है आई डोंट नो द सॉन्ग व्हिच इज व्हाई आई एम आस्किंग यू कि कौन सा है दिल मेरा है दिल ये मेरा मुझे हर पल ये पूछता अच्छा क्यों है मुझे तुझसे इतना ऐ ते इतला कोई गाना सुनाओ ऐ ते कुछ उनका कौन सा अपना गाना अरे जी से पूछो यार जाके गा रही है वो ओए गाए रे रूह उनां दी तड़पनी होनी है मैं किथे फस गए यार तुम ना बिल्कुल ही अरिजीत की फैन अच्छा अरिजीत की फैन है और कोई म्यूजिक में आपको क्या पसंद है ये फास्ट म्यूजिक ज्यादा और या सैड सॉन्ग्स किसके सैड सॉन्ग्स पसंद हैं अरिजीत के भी और जुबिन के भी मैं बहुत सुनती हूं अगर कोई गाना अरिजीत ना गाए हो तो आप सुनती हैं हां अगर अच्छा हो तो लिरिक्स अच्छे हो जैसा कि तू है कि नहीं वो भी बहुत मजे के आप आतिफ असलम पाकिस्तानी नहीं नहीं पाकिस्तान में नहीं अभी निकल रहा ब्रो तो बताएं अच्छा ये किसका है तू है कि जो नहीं मुझे आइडिया नहीं है अच्छा ये भी हां लिरिक्स अच्छे थे मैं सुनती हूं कोई सारे इनके मोहल्ले चोरियां होती हैं चौकीदार को छत तो कह रहे तू है कि नहीं पाकिस्तानी किसी का पसंद है आपको म्यूजिक आसिम अजहर अच्छा आसिम अजहर का कौन सा गाना पसंद है गलत फहमी बहुत मजे का गलत फहमी आसिम अजहर आपकी गलत फहमी इनको बहुत पसंद है हारून चारून अभी रिसेंटली आप लोगों ने जो एक नेशनल क्रेज ड्रामा बना हुआ है उर्तुगुल उसका भी थीम म्यूजिक प्ले किया विच वॉज ग्रेट तो अगर आज हमें भी जरा ये लाइव करके दिखा दें आप यहाँ पे जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात हारून और शारून ये बताएं म्यूजिशियंस क्रिटिसिज्म करते हैं कि आप बहुत लालची हैं कि आप दोनों आपस में ही बजा लेते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट तो बाकी क्या करें जिनको बजानी आती है बेसिकली ये मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए पाकिस्तान में और लूपर का स्पेशली कि लूप स्टेशन पे जिस तरह वेस्ट में आर्टिस्ट करते हैं कि वो लूप स्टेशन पे ही मल्टी इंस्ट्रूमेंट प्ले करके एक बंदा ही वन मैन शो होता है सो हमने कहा चलो इधर दो हैं तो लेकिन वो ये है कि ये क्वारंटीन में ही ज़्यादा ये हमने एक सेशन निकाले यूट्यूब पर क्वारंटीन सेशन सो उसमें ये था क्योंकि हम अब म्यूजिशियंस के साथ कोलेबरेशन नहीं थे कर सकते तो उधर हमें ये चीज़ फायदा आमतौर पे आप जब कोरोना नहीं होता तो उस वक्त आप मौका देते किसी और को बजाने का हमारा प्रॉपर बैंड है जिसमें ड्रमर भी है बेसिस्ट भी है तो वो ड्रमर तो बेचारा कुड़कुड़ के पागल हो गया होगा आपके जब देखता होगा वीडियोस के बहुत लालची ने सर ने उनको शादी तक नहीं बुलांदा उत्तर को पैसे छोड़ता सब कुछ छोड़ के लुटा लाता यार बड़े लालची है अच्छा वो सॉरी शादियों पे हम नहीं बजाते अच्छा
अच्छा, तो यानी कि कोई और बंदा पास नहीं आ सकता अभी, माशाल्लाह जगह बनती भी नहीं है आप दोनों की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, काफी टैलेंटेड म्यूजिशियन है हमारे पाकिस्तान में, हम लोग उनके साथ कोलैबोरेशन भी करते हैं और आगे भी फ्यूचर में हमारी नेस्कैफे बेसमेंट के अंदर भी हमें ब्रेक थ्रू मिला सीजन 3 से, और जुल्फी भाई जो प्रोड्यूसर है उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी और चांस दिया और उससे हमें ब्रेक थ्रू मिला। और उसके बाद फिर जुल्फी भाई तक कैसे पहुंचे थे आप? जुल्फी भाई के साथ इस तरह से रابطہ हुआ कि फेसबुक उस टाइम था, तो हम लोगों ने एक वीडियो ऐसी प्ले करके अपलोड की फेसबुक पे, तो किसी तरह से उन्होंने देख ली तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया मुझे। ये एक बड़ा कमाल है जुल्फी भाई आपका, जुल्फकार जब्बार खान के, वो बड़ा बड़ा कमाल टैलेंट ढूंढ के लाते हैं नेस्कैफे बेसमेंट के अंदर, उसको बड़ा हमने देखा कैसे कैसे उन्होंने यंगस्टर्स को चांस दिए। ही हैज दैट आई व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बड़ी कमाल एक उनकी आंख है। काफी आने वाले नई जनरेशन, और अगर नेस्कैफे सीजन 5 देखा जाए तो उसमें कितने नए बच्चों को भी टैलेंटेड बच्चों को भी चांस मिला है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू जुल्फी भाई कि उनमें वो एक आंख है वो जो सिलेक्ट कर सकती है टैलेंट। बिल्कुल, ये बहुत एक जबरदस्त बात है जुल्फी की। नेस्कैफे बेसमेंट कभी सुना आपने? नहीं सुना। कोक स्टूडियो सुना? हां कोक स्टूडियो सुना। क्या सुना उसके? मोमना मुस्तहसन का एक सॉन्ग था। अच्छा, उसके अलावा टीवी पे लगा हो तो मैं सुन लेती हूं। वैसे अपने तौर पे आपने तरद्दुद नहीं करना? नहीं, खुद नहीं सर्च करके कभी। बिल्कुल ठीक है, ये भी सही हो गया। आपको मॉडलिंग का शौक है, मॉडलिंग में आपको कौन पसंद है? सबा कमर इंस्पिरेशन है मेरी। प्राइमरीली तो वो एज एन एक्टर जानी जाती है, मॉडलिंग तो है, मुझे मॉडलिंग बताएं, हार्डकोर मॉडल कौन सी पसंद है? मोस्टली जो मॉडल्स हो चुकी हैं बहुत फेमस, वो अब एक्टिंग में भी आ रही हैं। हाँ, लेकिन जिन्होंने स्टार्ट मॉडलिंग से किया और पहले उनकी शनाख्त मॉडलिंग रही और फिर एक्टिंग बन गई हो चाहे। नेहा बहुत अच्छी है। नेहा कौन सी? नेहा राजपूत आपको पसंद है? ठीक है, नेहा कक्कड़ ही बंदी सी अरिजीत के बात तो नेहा राजपूत उनको पसंद है मॉडलिंग के अंदर। एक्टिंग का शौक है आपको? हाँ। किसकी एक्टिंग पसंद है? सज्जल और हानिया। सज्जल इंस्पिरेशन है मेरी। ओए होए, सज्जल और हानिया आप हैं दो लड़कियां। कौन से उनके ड्रामे देखे हुए हैं? कौन से? हानिया का तो अभी चल रहा है दिलरुबा। दिलरुबा आपको पसंद है? ठीक है, और सज्जल का कौन सा काम पसंद है? सज्जल का आंगन बहुत मजे का था। आंगन बहुत मजे। एक्टिंग एक्टिंग करने का आपको है यानी कि प्लान आगे आपका? हाँ करूंगी। करेंगी? सो इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी मॉडलिंग। कौन कौन से एक्टर्स मार्क किए हुए हैं आपने कि इनके साथ, मेल एक्टर्स इनके साथ मैंने काम करना है? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी के साथ काम करना चाहती है? उस्मान खालिद भट्ट। उस्मान खालिद भट्ट, ये उस्मान खालिद भट्ट, हमजा अली अब्बासी, ये सारे इस्लामाबाद के लड़के हैं, तो आप इस्लामाबाद टापती हैं कि नहीं टापती? इस्लामाबाद के हैं। आपको पता ही नहीं है? चलो मैं जी, ये दोनों इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। हमजा को तो पता है, उस्मान का नहीं पता कि इस्लामाबाद का है। उस्मान खालिद भट्ट भी इस्लामाबाद रहते हैं काफी, मिहाल से वहीं से वो बिलोंग भी करते हैं। तो उसके अलावा क्योंकि हमजा अब्बासी के साथ भी मुश्किल है थोड़ा सा एक्टिंग आपकी, थोड़ी अरसे तक हो पाए क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया ना। हाँ उन्होंने छोड़ी भी आजकल, मगर वैसे उस्मान खालिद के साथ हो सकती है कहीं आपको। और कोई? आहद रजा। आहद रजा मीर हो गए, ठीक है, और बताएं? और बताते जाओ बस। How you doing, boy? Good, are you? You know, somebody told me that tuhade kolon koi band aaya hai. Yes. Inna band wale na mainu shmooliyat ikhtiyar kar deyo. Main te sare instrument baja lena. Are wo khud bhi 10 instrument baja lete hain. No problem, main do vadde bajawanga. Inna nu wo instrument aande nahi jehde mainu aande ne. Kya? Main te 3 saal khoti le le utte baith ke chhankna bajaya. सात साल मैं रोजें च पीपा बजाया। उस तो बाद मैं एक चोरी की थी, लोगों ने मैनु थले बिछा के ते छितरा नाल ओ बजाया। ओदो मैनु पता लगा सियाने सही कहंदे ने काम सीखण वास्ते बड़ी मार खानी पैंदी। मैनू बहुत खाए उ
ਵਾਲਨ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਟ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪ ਕੋਈ ਡੈਮੋ ਦੇ ਤਾਂ ਹਮ ਸੋਚਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬ ਖੁਦ ਦਾ ਡੈਮੋ ਆਪ ਬਤਾਏ ਕਿਆ ਬਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪ ਬਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਇਕੱਠੇ ਜੈਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਚਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇ ਬਜਾਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਚਲੇ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗ ਦਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਟਾਂਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਵਜਾਓ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਬਤਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੈਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਆਈ ਪੰਜ ਕਾਲੇ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਤੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗੋਰਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਮ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਆਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੌਨ ਸਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵਜਾ ਲੈਣਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਜਾਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਛੋਟੀ ਟਰਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚ ਕਰਾਇਆ ਬੜਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁਰ ਪੈਣਾ ਜੁਮ चले आप ढोल बजा के सुना और कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं जी अपना जरा नहीं प्या पठान पठान शबाब भी मैं बजा शबाब रुबाब जबाब रुबाब जबाब रुबाब रुबाब सर आपका नाम क्या है आप इतने बड़े आर्टिस्ट माय नेम इज अ फैबुलस जॉन फेरी आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट माय मॉम शी बिलोंग टू वर्जीनिया एंड माय पापा फ्रॉम चीतावतन ओके सो आपकी तो इंस्टा आईडी भी होगी जिस पे हम फॉलो कर सके आप एक म्यूजिशियन नहीं मैं तुहानू फॉलो करूंगा जिधर तुम जाओगे मैं तुम्हें लेट मी गिव यू वन सॉन्ग बेबी डोंट वरी About the things, but every little thing gonna be all right. Rise up this morning, my lips are rising. Some three little birds, my dog, dog, side, side, side. I'm having a chico pie. Sweet song, my marriage is pure and good, baby. But you don't like it, बात सुने बल्कि आप उनके लिए कोई अरिजीत का गाना तबाह नहीं कर रहे तुसी मगर मगर लिरिक्स बोलो चल मैं बोलता हूँ अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का होंठों पे स्वाद रखना मेरे जिक्र का होंठों पे स्वाद करना अल्लाह के नाम का स्वाद करना बाजी को पसंद आए नहीं तुसी बट तुसी तो मैंने बहुत पसंद आए थैंक यू इफ यू वांट टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट तो नो नेशनलिटी मिल सकती है अगर तुसी वो थिंकिंग रखो जड़ी मेरी अगर आपसे कहा जाए कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी इस वक्त बजाएं, जी व्हाटएवर दैट द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड वेस्टर्न थीम्स में गेम ऑफ थ्रोन्स क्योंकि वो हमने इतना बजाया हुआ है और लाइव शोज में भी और वैसे भी हम उस पर काफी जैम करते हैं बट अगर वेस्टर्न या कुछ उस तरह से तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब पहले नंबर पर आते हैं हमारे सेट लिस्ट में सो उन्हें अभी हमने रिसेंटली ट्रिब्यूट भी दिया अपने क्वारंटीन सेशंस में ही तो हम लोग वो परफॉर्म करना भी चाहते हैं नुसरत अली खान साहब का एक और बड़ा जबरदस्त गाना जो कि आप लोगों ने प्ले किया तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी जी वो भी हारून और शाहरुन ये बताएं फीमेल फैंस तो आपकी बहुत ज्यादा होंगी बिल्कुल तो ज्यादा बात कौन करता है उनसे शाहरुन बस कर देते हैं रिप्लाई फैंस को
और ज़रूरी भी है करना, और बस एक लिमिट होनी चाहिए एक आर्टिस्ट की आई थिंक। एक फैंस को आई थिंक रिप्लाई भी करना ज़रूरी है, लेकिन समटाइम्स आप नहीं भी कर सकते। कभी हुआ फैंस को लड़की उसको नंबर आपने दिया बात हरूम भाई ने की हो? बिल्कुल, ये करता है ऐसे। अच्छा, क्योंकि हमारा वो अकाउंट सेम है ना, एक्सेस दोनों के पास है। अच्छा, ये होता रहता है आपस में? प्रोग्राम निकल जाना, गल्ला पूछ के तुम करो भी मार पवा देंगे, ऐसी शरारतें करते हैं आप यानी। एक्चुअली फैंस जो है बड़ा वो सर्च करके कि वायलिनिस्ट कौन है, फिर वो सर्च करते हैं अच्छा वो शाहरुख है, तो उसे भी मैसेज करते हैं, कोई भी से पकड़ के खड़े हो जाएं। बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट बजाते एक और ही सही। हाँ, exactly, 10 तो बजा ही रहे हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली वो बस ये कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसे है, और मतलब मैंने कहा चलो एक इंस्ट्रूमेंट इसके लिए रख दे तो वरना ये क्या करेगा बेचारा। अच्छा। स्वरा जी, जैसे आपको अरिजीत पसंद है, फिर हमजा बासी पसंद है, सबा कमर पसंद है, ये तो एक होगी ना शोबिज़ की जिंदगी, अपनी जिंदगी में कौन पसंद? अभी ऐसा कोई नहीं आया। आज आ गया ना। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। क्या बात है। कितनी देर रियाज करते हैं वैसे आप? जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम 8-8 घंटे नॉन स्टॉप रियाज किया हुआ है, और जून जुलाई का महीना और गर्मियों में हम लोग रूम बंद करके ताकि आवाज ना जाए, तो हम लोगों ने उस तरह से प्रैक्टिस की हुई है कि घर वाले आवाजें दे रहे हैं कि रोटी भी खा लो मरो। तो इतना पैशन था कि हम लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते थे। तो आपने गिटार उस्ताद से सीख कर फिर उस पर जो आपने रियाज मेहनत किया वो खुद किया? जी, वो खुद से ही। क्या बात है, इस पर बिल्कुल सच्ची। वजन बढ़ाने के लिए, ते मैं क्या है हूं ट्रेडमिल क्यों कर रहे हो? कहंदे ने वजन घटाने के लिए। मैं क्या सर क्यों ऐसा बयान दिता ने कि हिला के ही रख दिता ने अपनी हुकूमत नु? मैनू कहंदे ने शेख रशीद साहब ते उन्हां दे नाल क्वारंटाइन च ने, ते किसे ने ते सियासी महाज ते लड़ना है, ते मैं क्यों ना लड़ा? मैं क्या सर तुसी उन्हां दे खिलाफ लड़ो, तुसी ते अपनी हुकूमत दे खिलाफ ही लड़ी जांदे हो, यानी उधर गोल करना है तुसी इधर करी जांदे हो। मैनू कहंदे ने गोलकीपर ना उत्थे उन्हां दा कप्तान, भाई किधरे ना किधरे ते गोल करना ही सी, मैं आपने हल कर दिता। ए हालात हो गए ते हल्की जी फिर मेरी गल समझ नहीं, मैंने कहंदा अच्छा तू मैनूं टाइम ना ला के दस दिता। ए अपना नाल शुरू कर लेने, काम शुरू कर लेने, मतलब अपना मौसीकी दा सीख रहे हो? नहीं, हमारे पास आए हुए आज लियो ट्विंस हारून शारून। अच्छा, इन्हां ने मैं किधरे देखा होया? आपने देखो हवालात? सोशल मीडिया ढोलकी बजा रहे ने। मैं क्या की कर रहे हैं? 300 दा मुजरम ओदी तेल में बंदे नु हवाला चो कढ के मारन दे। मैं क्या की होया? कहंदा इहदे घरों रोटी आई ते मैनू सुलह ही नहीं मारी। साडे घर आउंदी ते असीं नहीं मारदे सर। सही गल, कहना ही एवरीवन फोटो सर, ये तो बड़ी गल है, मैं तुहानू जिंदा वेख लिया। हाँ, मैं तो इन्हों हमेशा उर्तगुल से वेख्या, लेकिन अज कुछ भूल रहे हैं, सवेरा जी वाल ध्यान नहीं पिया। कौन? माशाल्लाह, ये कौन है? मैं हिस्बे मा तकदम। लो जी माशाल्लाह, कितने गए हो? मैडम दूर है कि ना? ते ए देखो ना जी, ए नाली मैं डिलीट कर देना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं, सवेरा से स्टार्ट करते हैं। सवेरा ये बताएं, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। हाँ, आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं सबा कमर, हानी आमिर और सजल अली। तो किसके साथ सेल्फी लेंगी आप? सेल्फी सजल के साथ। किसको स्माइल देंगी? हानिया को। और किसको कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है? सबा कमर साहब आपको कहा जा रहा है फिलहाल इस वक्त। ये बताइए, मजबूरी के तहत
तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर उस जायंट साइज तस्वीर पर पड़ेगी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे आप उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास हैं हारून और शारून। शारून। कोई खास वजह? वैसे मतलब मैं आई थी यहाँ पे तो इन्होंने बात स्टार्ट की थी, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स। अच्छा, तो इन्होंने बात स्टार्ट की, सजा मिल रही है। मैंने कहा था बोर तो नहीं हो रही हमारी म्यूजिक से। अच्छा, तो वो उधर से बात स्टार्ट हुई तो कहती है नहीं बोर नहीं हो रही। गाने क्यों स्टार्ट हो रही है? काफी लड़कियों ने दसे बिल्कुल तुसा भी यही दसे। मगर इंटरेस्टिंगली आप किसी का भी लगा ले आपको चेहरा तो एक ही नजर आएगा। शारून आपकी बारी है सर। जी जी सर, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, उसके अंदर दो सीट्स हैं, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। अच्छा, किसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं आतिफ असलम और अली जफर। अली जफर। अली जफर साहब को लेके जाना चाहते हैं चांद पर। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, दो वीआईपी पास आपके भी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह, जनाब आमिर लियाकत और डॉक्टर फिरदौस आशिकवान। फीमेल में और कोई ऑप्शन नहीं? नहीं। अच्छा, फिर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ टाइटैनिक पर जाना चाहते हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ठीक है, जबरदस्त। हारून आप बताइए, लिफ्ट में एंटर हुए, तीन लोग मौजूद, एक को सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोमना मुस्तहसन, आसिम अजहर और राहत फतेह अली खान। तो किसके साथ है सेल्फी? राहत फतेह अली खान साहब के साथ। किन को दे रहे हैं स्माइल? मोमना मुस्तहसन। और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? सॉरी बट आसिम अजहर, आई डोंट हैव एनी चॉइस। आसिम अजहर को इन्होंने एक्वायर कर दिया, देख लें आप। बस देख लिए। ठीक है, ये बताइए सर, टाइटैनिक पर आप भी, दो वीआईपी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान। सॉर्टेड, बस इससे आगे नहीं। माहिरा खान और दूसरी ऑप्शन रहने दे। चाहिए ही नहीं उसे। माहिरा खान जी और आपके अब्बू। बस माहिरा खान आप बोल दो, उसके पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए। सब घर वाले नोट कर ले, लड़के ने क्या जवाब दिया है। ठीक है हारून जान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल थ्री ऑफ यू। सर आज क्या सुना रहे हैं?